अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से सनफ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी YT फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ छोटा सा गार्डन का ओवरव्यू शेयर करूंगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो सनफ्लावर आप देख सकते हैं रेड कलर का काफ़ी खूबसूरत खिला है और साथ ही हमारे डेजी के फ्लावर भी खिलना शुरू हो गए हैं। नस्टेशियम है दो कलर में, काफ़ी खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर है मैरी गोल्ड, ये जाफरी की वैरायटी है, तो सीड से ग्रो किए हुए प्लांट है और काफ़ी नॉन स्टॉप इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। जितने भी स्पेल फ्लावर हैं वो मैं कट कर देती हूँ और साथ के साथ ही इसके ऊपर बर्ड्स भी आना शुरू हो गई हैं। डेजी है, ये एनुअल क्राइसेंथेमम, इसके ऊपर भी फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। बर्ड्स आप देख सकते हैं बन गई हैं इनके ऊपर। और ये बाकी के जितने भी हमारे फ्लावर्स हैं जो हमने फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हैं विंटर सीजन के, सभी के ऊपर अब जो है बर्ड्स आना शुरू हो गए हैं। दो तीन दिन से हमारे यहाँ पर सूरज बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, तो प्लांट भी जो है उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई हुई है। और बाकी जो है इनके ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं, एक आध फ्लावर जो है अब खिलना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे वेदर स्टेबल होता जाएगा इनके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग भी आना शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी अभी जो है ग्रोथ अच्छी चल रही है, थोड़ी सी स्लो है लेकिन अच्छी चल रही है। यहाँ पर जो है डेलिया, इसको मैंने ऊपर से कट कर दिया था और आप देख सकते हैं अब इनकी साइड ब्रांचेस भी आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर इनडोर प्लांट है सारे, सभी को मैंने जो है रात की ओस से बचाने के लिए यहाँ पर इनडोर में रखा हुआ है शेडी प्लेस में, ताकि ये बहुत ज़्यादा विंटर से जो सर्दी पड़ रही है उससे बच सकें। और यहाँ पे ड्रेसिना भी है और ये जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स मैंने लगा रखी हैं। सारे प्लांट इस तरीके से पड़े हुए हैं। अभी जेड प्लांट की भी आप कटिंग लगा सकते हैं, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। आप जो है अपने जितने भी परमानेंट प्लांट हैं इनकी कटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरफ भी कुछ जो है मेरे शेडी प्लेस में ही पड़े हुए प्लांट हैं, सभी समर के ही प्लांट हैं। और यहाँ पे ऊपर का जो सेक्शन है ये कलांचों का है, सारी वैरायटी कलांचों की ही पड़ी हुई है, सभी के ऊपर जो है बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं। तो आने वाले दिनों में इनके ऊपर काफ़ी अच्छी जो है फ्लावरिंग होगी। तो बहुत ही जो है ठंड होने की वजह से प्लांट हमारे थोड़े से डल हो जाते हैं। अभी नीचे जो पिटूनिया मैंने शिफ्ट किए थे आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ भी अब स्टेबल होना शुरू होगी। इनको मैंने शिफ्ट करने के तकरीबन 10 से 15 दिन बाद इनको मैंने DAP के चंद दाने दिए थे, जिससे इनकी ग्रोथ जो है अब होना शुरू हो गई है। तो बाहर के दिनों में इनके ऊपर जो है काफ़ी हैवी फ्लावरिंग होगी। अभी तो ये प्लांट बहुत छोटे हैं और बाकी जो सीड हमने लगाए थे इनके भी आप देख सकते इनके ऊपर बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे है स्वीट अलाइसम और डेजी है, डेजी के ऊपर ये येलो कलर फर्स्ट निकला है, दो कलर में मेरे पास है। तो अभी इनके ऊपर जो है बर्ड्स आना शुरू हो गए हैं और फ्लावर भी आहिस्ता आहिस्ता खिलना शुरू हो गए हैं। तो जैसे जैसे वेदर स्टेबल होता जाएगा हमारे जितने भी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट हैं इनके ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनको फ्लावर करने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मेरा वेजिटेबल का सेक्शन है, यहाँ पर स्पिनिच मैंने 3 से 4 दफ़ा हार्नेस्ट की है और टमाटो के प्लांट है, टमाटो प्लांट जो है मैंने 2-3 इसके ऊपर से हार्नेस्ट कर लिए हैं, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। और यहाँ पे हमारे पोटैटो हैं, आलू जो हमने ग्रो किए थे ये भी काफ़ी अच्छे बड़े हो गए इनके प्लांट, और अब देखेंगे कि जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो नीचे हमारे आलू बने हैं कि नहीं। यहाँ पे टमाटो के अगेन प्लांट है, इनके ऊपर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावरिंग भी नॉन स्टॉप इनके ऊपर चल रही है, काफ़ी अच्छे बड़े प्लांट हो गए। अभी भी आप जो है टमाटो के सीड लगा सकते हैं या फिर आप सैपलिंग ला के भी लगा सकते हैं। तो विंटर की जो कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको आप अभी इनके सीड लगा सकते हैं, अभी जनवरी का मंथ स्टार्ट हुआ है तो इनके आप अभी भी सीड लगा सकते हैं। तो सनफ्लावर आपको मेरे गार्डन में कई सारी जगहों पे मिलेगा, मैक्सिमम मैंने जो है इसके सीड लगा रखे हैं, अभी भी इनके ऊपर जो है मैंने सीडिंग लगाई है, तो काफ़ी सारे प्लांट मेरे रेडी हो गए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।